जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि 2021 में किन राशियों की शादी के योग प्रबल है। यह गणना आपको पूरी तरह से सत्य बताया जा रहा है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। 2021 में मेष राशि के जातकों की शादी के योग प्रबल है। भविष्य गणना के अनुसार विवाहेतर संबंधों में वृद्धि हो सकती है। युवा प्रेमी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। शादी का महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं, इससे विवाह में आ रही बाधा बहुत जल्द दूर हो जाएगी। 2021 में तुला राशि के जातकों की शादी के योग भी बन रहे हैं और इनकी शादी जरूर होगी। ज्योतिष की माने तो अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। प्रेम विवाह को परिवार की अनुमति मिल सकती है। अविवाहितों के भी नए रिश्ते आने की पूरी संभावना है। अप्रैल के बाद विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। अगर शादी में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों को मिठाई बांटें, आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। राशि में कन्या का नाम है। ज्योतिष गणना के अनुसार कन्या राशि के अविवाहित जातकों को विवाह के रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वाले युगल के मध्य प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा, जिससे यह योग बन रहे हैं कि इनकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं और शादी करना चाहते हैं, लिव इन रिलेशन में हैं, तो शादी के योग प्रबल हैं और आपकी शादी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो शादी के संयोग बना रहा है। शीघ्र विवाह के लिए रोजाना नहाने वक्त हल्दी थोड़ा सा डालकर नहाएं और ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप रोजाना 11 बार करें। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए सोने पे सुहागा जैसा है। इन पर न केवल शनिदेव की कृपा है बल्कि शिव जी की भी कृपा बरस रही है। जिन पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। शनिदेव स्वयं कुंभ राशि के जातकों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और शनि की दृष्टि और वो भी सकारात्मक दृष्टि पड़ने से तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इस आनंद में कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग भी बन रहे हैं। अगर शादी में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को रोजाना अर्घ दे, आपका कल्याण होगा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप 11 बार रोजाना करें। पूर्व की दिशा में सोएं और अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप अपनी निजी जानकारी कुंडली दिखाकर लेते हैं। आप अपने नजदीकी किसी प्रकांड पंडित या ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं और आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको निःशुल्क ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। आप अपना सलाह अथवा परामर्श भी दे सकते हैं, उसे भी केपी की वाणी पर जरूर ही गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी करे आपकी शीघ्र शादी हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं क्षमा प्रार्थी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय श्री राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। जय वाहे गुरु।